Hello everyone, welcome back to my channel. If you are watching for the first time, please hit the subscribe button to watch latest video of delicious dish and also tap the bell button for the future notification. Today I am going to show you how to make chicken barra. तो इसके लिए हमने 1 kg chicken लिया हुआ है और इसमें deep gashes डाल दी हैं. सबसे पहला marination हम chicken का थोड़े से नींबू के रस से करेंगे. एक नींबू के रस को हमने निचोड़ लिया था और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा नमक हम डालते हैं और साथ ही इसको अच्छे से हाथों की मदद लेते हुए मिक्स कर लेते हैं. जब भी आप चिकन की कोई डिश बनाएं तो कोशिश करें कि पहला मैरिनेशन नींबू और नमक से दें. इसको हमें ज़्यादा देर मैरिनेशन के लिए नहीं रखना है, 10 to 15 मिनट सफिशियंट है मैरिनेशन के लिए. इसके बाद हम इसके सेकेंड मैरिनेशन की तरफ जाएँगे. इसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के फ्राई कर लिया है और 100 ग्राम हमने दही लिया हुआ है और 4 से 5 हरी मिर्च ली हुई है. जैसा कि हमने बताया कि चिकन के पीसेज में हमने डीप गैशेस डाल दिया था ताकि मैरिनेशन के मसाले अंदर तक पहुंच सके और चिकन हमारा टेस्ट में अच्छा हो सके. अब हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें फ्राइड अनियन डालेंगे और साथ ही हम दही ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ ही जो 4-5 हमने हरी मिर्च ली थी वो हम डाल के एक फाइन पेस्ट बना लेंगे. नींबू और नमक डाल के हमने इसको 10 से 15 मिनट मैरिनेशन के लिए रखा था और आइए अब हम इसको दूसरी बार मैरिनेट कर लेते हैं, जिसके लिए हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे. ये 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया. बहुत अच्छे से जिंजर गार्लिक पेस्ट को चिकन के पीसेज में मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे. ग्राम में मेज़र करें तो ये 10 ग्राम बटर होगा. और अब हम इसमें वो पेस्ट डालेंगे जो हमने हरी मिर्च, दही और तली हुई प्याज से रेडी किया था. इस पेस्ट को हम इसमें ऐड करेंगे और एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे. और आइए अब हम कुछ पाउडर स्पाइसेस में ऐड कर देते हैं, जिसमें हमने लाल मिर्च पाउडर ली हुई, कश्मीरी मिर्च पाउडर ली हुई है, चाट मसाला लिया हुआ है थोड़ा सा हमने, और कुटी हुई काली मिर्च ली हुई है और ज़ीरा पाउडर लिया हुआ है. इन मसालों को हम मैरिनेशन में अच्छे से डालेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे और इसको मैरिनेशन के लिए हम कम से कम 1 घंटे के लिए रखेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 4 से 5 घंटे रख सकते हैं. याद रहे कि हमें इसको मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रखना होगा. अक्सर अफगानी चिकन की रेसिपी पे लोग मुझसे पूछते हैं कि कितनी देर के लिए मैरिनेट करके रखना है, हमने वहाँ मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे हम फिर से आपसे बता रहे हैं कि कम से कम चिकन की रेसिपी को 1 घंटा मैरिनेशन के लिए चाहिए होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे हमें मैरिनेशन के लिए इसको चाहिए. लेकिन ध्यान रहे कि हमें इसको फ्रिज में रख के मैरिनेट करना है. चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है और हमने इस पर एक कोरिएंडर लीफ फाइनली चॉप्ड करके डाल दिया. इसको हम अच्छे से मिक्स दे देते हैं और आइए अब हम इसकी फाइनली कुकिंग की तरफ आते हैं. सबसे पहले हम एक कढ़ाई हीट करेंगे और उसके बाद उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, उसको हीट कर लेंगे और उसमें चिकन के पीसेस को सेट कर लेंगे. हमें पैन को ओवर क्राउड नहीं करना है, 4 से 5 पीस 1 टाइम के लिए सफिशियंट है. फ्लिप करते हुए हम इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम मैरिनेशन का मसाला डालेंगे ताकि हमारा मैरिनेशन वेस्ट ना हो और हमारा चिकन बर्रा बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो. और अब हम इसमें 1 टीस्पून बटर डालेंगे. बटर की क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है क्योंकि हमने ऑयल ऐड किया है. और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा चिकन गल सके और उसके बाद हम इस पर लिड लगा देंगे. कवर करने के बाद हम इसको 1-1 मिनट के गैप पे इसको चलाते हुए कुक कर लेंगे अच्छे से. और इसी तरह से हमें सारे चिकन के पीसेस को अपने रेडी कर लेना है. एक बार में हमें 4 से 5 पीसेस डालने हैं, उसके बाद जब रेडी हो जाए तो हमें उसको निकाल लेना है और ठीक उसी पैन में हमें नेक्स्ट पीसेस सजानी है 4 से 5 और उसी तरह से कुक करना. याद रखिएगा कि हमें हर बार मैरिनेशन के मसाले ऐड करने हैं, हर बार थोड़ा सा पानी डालना है और थोड़ा सा बटर हमें हर बार ऐड करना होगा. और 1-1 मिनट के लिए हमें इसको ढकना होगा और बार बार इसके लिड को हटा के हमें इसको चलाते रहना है ताकि हमारा चिकन जले ना, और इसके टेंडर हो जाने तक हमें यही प्रोसेस कंटिन्यू करना होगा. हमने गैस पे अंगारी को जला लिया है, हम इससे चिकन में अपने स्मोकी फ्लेवर देंगे. कोयले को अंगारा बन जाने तक का वेट करेंगे, उसके बाद हम पैन खोलेंगे और एक फॉइल को कटोरी का शेप दे के हम उसमें रख देंगे और उसमें जलता हुआ अंगारा डाल देंगे और साथ ही हम थोड़ा सा ऑयल 1 टीस्पून के करीब डालेंगे और जैसे ही धुआं निकलने लगेगा हम फट से इसको कवर कर देंगे. इस तरह से हम अपने चिकन बर्रा को स्मोकी फ्लेवर देंगे. और अब हम एक ग्रिल नेट लेंगे और इसको गैस पे रख देंगे.
गैस ऑन कर देंगे और जितनी भी पीसेस आसानी से हमारी नेट पे आ सकती हैं उतनी हम इस पे सेट करेंगे ताकि हम इसको टर्न कर सकें अच्छे से। और गैस की फ्लेम हम स्लो टू मीडियम रखेंगे और एक एक पीसेस को हम जल्द से जल्द टर्न करते हुए फ्लिप करते हुए चले जाएंगे। ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा, आप ज़रूर से ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चिकन बर्रा की रेसिपी बहुत ही आसान है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और कोई भी परेशानी हो इस रेसिपी से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ठीक इसी तरह से हम फ्लिप करते रहेंगे इसको बार बार। डायरेक्ट गैस पे इसको करने से एक ग्रिल मार्क आ जाएगा इसमें, जो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। और जब इसको आप खाएंगे तो इसका इसके टेस्ट का अंदाज़ा आपको खुद ही हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बस इस तरह से हम फ्लिप करते हुए चले जाएँगे और इसको फाइनली अब हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फाइनली इसको हमने डिश आउट कर लिया, अब भी इसको बनाए खाएं, इंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। आई विल मीट यू सून विद माय न्यू रेसिपी, टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।